देख रहे हैं आप खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन कोरोना के उन दावों की कलई खुल गई है। दावों की खुली पोल, सिस्टम में बड़ा झोल, स्वास्थ्य सेवा बदहाल, मरीजों का बुरा हाल, ठेले पर ढोए जा रहे बीमार, क्या ऐसा है हमारा बिहार? कोरोना ने खोली कलई। तो गांव में फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था इस लायक है कि इस कहर को संभाल सके। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल के बेलबिहमा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सच्चाई आपको हम दिखा रहे हैं, खुद तय कीजिए। कोरोना ने शहर से निकलकर गांवों का भी रुख कर लिया है। इस आफत के आगे शहरों की ठीक ठाक स्वास्थ्य व्यवस्था धरी की धरी रह गई, लेकिन गांवों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किसी से छिपी नहीं है। मुंगेर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तारापुर अनुमंडल के बेलबिहमा में भी बड़े कैंपस में सरकारी अस्पताल चलता है, लेकिन इसकी सच्चाई बस कागजों तक ही सिमटी है। परेशानी खूब होती है सर, परेशानी हुआ तारापुर जाते हैं, प्राइवेट में दिखाते हैं, सरकारी सुख सुविधाएं भी नहीं करता है। तो यहाँ कोई अधिकारी देखने आते हैं? नहीं, कोई देखने नहीं, कभी आता 8 दिन में। अस्पताल की बिल्डिंग देखकर तो लगता है कि यहाँ इलाज की समुचित व्यवस्था होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अस्पताल में कई कमरे हैं, बेड भी लगे हैं, पर ना तो यहाँ डॉक्टर आते हैं, ना नर्स और ना ही कोई और मेडिकल स्टाफ। और तो और, भगवान भरोसे चल रहे इस अस्पताल में दवाइयां भी एक्सपायरी हैं, और जो थोड़े बहुत एक्सपायर नहीं है वो बहुत जल्द एक्सपायर होने की कगार पर है। इस हाल में किसे इलाज मिलता होगा आप समझ सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को यहां से 8 किलोमीटर दूर तारापुर अनुमंडल अस्पताल जाना पड़ता है। सर, यहाँ पे अगर अपने परिजन को लाते हैं तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है सर। यहाँ पे बेड है, सारे चीज सुविधा है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा आपको दिए नहीं जाते हैं। यहाँ पे जब डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ फैसिलिटी सिर्फ बेड मिल जाएंगे, सारे चीज यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आपको डायरेक्ट तारापुर जाना पड़ता है सर। जब यहाँ डॉक्टर ही नहीं आते तो कोई मेडिसिन का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ नर्स, ANM कुछ नहीं सर, यहाँ कोई चीज अवेलेबल नहीं है। पिछले हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाँव में पैर पसार रहे कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें गाँव में स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस पर जोर दिया था, लेकिन इस अस्पताल को देखकर आने वाले संकट का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। गाँव के लोग भी अस्पताल की व्यवस्था से त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, किससे गुहार लगाए। एक आध घंटा के लिए आता है, हर सप्ताह में एक दिन आता है, और भी नहीं आता है। कौन कौन एक आध घंटे के लिए आते हैं? कौन कौन आता है ये भी मालूम नहीं। तो एक घंटा के बाद? एक घंटा के बाद चले जाते हैं। तो ये फर्क नहीं, कोई लाभ नहीं। दवा हुआ? कोई दवा हुआ नहीं। इलाज उलाज? कोई इलाज उलाज नहीं। तो इलाज कहाँ से होगा? जब इस समस्या के बारे में तारापुर अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी BN सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेलबिहमा स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कोविड के कारण डॉक्टरों और स्टाफ की ड्यूटी कहीं और लगा दी गई है। एक्सपायर की दवा का तो बात हम अब जाने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन अभी सारे हॉस्पिटल बंद हैं। वो जितने भी PSC से नीचे का जो भी हॉस्पिटल है वो बंद है, और उन लोगों को कोरोना में लगा दिया गया है। लेकिन जब उनसे लंबे समय से डॉक्टर नहीं आने की बात बताई गई, तब उन्होंने सच्चाई बयान की। डॉक्टर उमाशंकर हैं, आयुष चिकित्सक, जिनको कि हम वहाँ भेजते हैं, लेकिन अभी तो बंद है तो उनको भी नहीं भेजते हैं। और वो हाउस टू हाउस जो विजिट हो रहा है कोरोना पेशेंट को देखने के लिए,
होम आइसोलेशन में उसमें लगा हुआ है। दवाई नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, आदमी दम टूट रहा है, लोग का लोग मर रहा है, सरकार बड़ा बड़ा दावा कर रहा है, ये दावा बिल्कुल इसका फेलियर है। यानी चार महीने पहले ही कागजों में डॉक्टर साहब का तबादला हो चुका है, लेकिन गांव के लोगों के मुताबिक लंबे समय से यहां डॉक्टर नहीं आते। दूसरी लहर के कहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी डरा रही है, ग्रामीण इलाके खतरे के महान पर हैं। ऐसे में ग्रामीण अस्पतालों की ये हालत डराने वाली है। अरुण कुमार शर्मा, न्यूज 18, मुंगेर। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप फिर हैरान होंगे। ये तस्वीर है वैशाली के महुआ अनुमंडल की, जहां राजा पाकर के बाकरपुर पंचायत में सरकारी बद इंतजामी का अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। यहां पीपल के पेड़ के नीचे मरीजों का इलाज हो रहा था। पीपल के पेड़ से रस्सी लटकी थी, स्लाइन की बोतलें लटकी हैं, खाट पर लेटे मरीज को पानी चढ़ाया जा रहा है, और हम आपको इलाज करने वाले उन झोला छाप डॉक्टरों को भी दिखाते हैं, लेकिन वो न्यूज 18 के कैमरे को देखते ही 9:00-11:00 हो गए, यानी कि मरीजों को छोड़कर भाग निकले। अब देखिए वो पर्चियां जिन पर 41 लोगों के नाम लिखे हैं, ये वो सभी लोग हैं जिनकी पिछले एक महीने में मौत हो चुकी है। जी हां, गांव वालों का दावा है कि यहां पिछले एक महीने में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। दिन बंद रहता है, हॉस्पिटल खुलता नहीं है, यहाँ पर ना यहाँ पर कोई दवाई मिलती है, ना यहाँ पर कोई डॉक्टर आता है, ना यहाँ पर कोई व्यवस्था है। ऐसी हम लोग पीपल का पेड़ है, इस जगह कहीं जाना आना नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन पीपल देती है, इसलिए ऑक्सीजन के चलते हम लोग पीपल को बैठ करके अपना ताश खेल करके समय को अपना बिताते हैं। आखिर हम लोग जाए कहाँ, कहीं तो कोई रोजगार है नहीं, कोई काम है नहीं। और यह हॉस्पिटल का चारों तरफ से ताला लॉक, नहीं यहाँ पर कोई डॉक्टर है, नहीं कोई यहाँ पर नर्स है, और नहीं किसी तरह का यहाँ पर कोई एक सुविधा है, किसी तरह का नहीं। आप देख रहे हैं कोई भी एक डॉक्टर, सिर्फ आप अगर कुछ यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है तो ही जो है हॉस्पिटल का एक छोटा सा बिल्डिंग। और फुल लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन है। राजीव, ये तस्वीरें सामने आई है, कई लोगों की आंखों में जो धुंध जम गई है, मोतियाबिंद हो गया है, उसे साफ करने के लिए बहुत काफी है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। क्या करें ये लोग जब अस्पताल बंद है, क्या विकल्प है? देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो कोरोना महामारी की लहर है लॉकडाउन के जरिए कम हो रही है, लेकिन ये जो नजारा है इससे पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह कोरोना की लहर बढ़ती जा रही है। उसी का नतीजा है कि जहां अस्पताल बंद है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अस्पतालों को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल है, खासकर जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं अतिरिक्त प्राथमिक उपचार केंद्र चकसिकंदर, ये ऐसा अस्पताल है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 97 साल पुराना अस्पताल है और एक बड़ी आबादी इस पर निर्भर है। और यहाँ की हालत ये है कि जब कोरोना की ये जो संकट चल रही है इस दौरान इसमें ताला बंद है, और जिसका नतीजा है कि यहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, अस्पताल तो आ रहे हैं लेकिन ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ कोई उनका स्वास्थ्य कर्मी है। नतीजतन जो ये तमाम लोग आ रहे हैं उन्हें पीपल के पेड़ का शरण मिल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चूंकि डॉक्टर नहीं है इलाके में, स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, ऐसे में फिर से जो क्विक डॉक्टर्स है, ग्रामीण डॉक्टर जिसे कहते हैं, लोग जान जोखिम में डालकर ऐसे लोगों से इलाज करवा रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह भी है कि ऐसे लोग जो इलाज करवा रहे हैं उन्हें क्या बीमारी है इसकी जांच के लिए भी वहां कोई नहीं है। यानी जो कोविड जांच होनी चाहिए, जिनको सर्दी खांसी बुखार जैसे सिम्टम्स है, उनका इलाज के लिए उनका सबसे पहले कोरोना जांच होना चाहिए, इस इलाके में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये राजीव, गांव कनेक्शन की बात की जा रही है कि जो कोरोना ने तो अपनी दस्तक दे दी लेकिन सरकार पहुंच पाई, क्योंकि अस्पताल तो बंद है, फिर ये तस्वीर आने तक, ये तस्वीर को लगातार दिखाने के बाद अभी तक कोई फोन कॉल के जरिए प्रशासन का कोई व्यक्ति, स्वास्थ्य विभाग का कोई व्यक्ति आप तक संपर्क किया है कि भाई आपने कहां से उठाया, आप तो दिखा रहे हैं अस्पताल बंद है, इसके बारे में कोई जानकारी ली गई?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक किसी ने ऐसी कोई जानकारी नहीं हासिल की है, और ये खबरें हम जब दिखा रहे हैं तो संभव है कि लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, इस संबंध में मैंने जरूर जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे मैंने पूछताछ की थी। हाँ। उन लोगों ने कहा कि अभी अस्पताल में चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो हमारे पास स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, हमारे पास डॉक्टर की कमी है। चलिए, असली बात जुबान पर उनकी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमसे बातचीत करने के लिए। तो अस्पताल में कर्मियों की कमी है, जो अस्पताल में मेंटेनेंस से लेकर चिकित्सा व्यवस्था को देखेंगे उन लोगों की कमी है, और कुल मिलाकर ये अस्पताल इसलिए बंद है जब लोग ही नहीं है, डॉक्टर साहब ही नहीं है, नर्स ही नहीं है, वहां पर जो मेंटेनेंस के लिए जो लोग रहते हैं वही नहीं है, तो फिर अस्पताल चलेगा कैसे? ये अपनी जगह जायज है। अब एक तरफ बिहार में अस्पताल का रोना रोया जा रहा है, दूसरी तरफ अस्पताल में ताले पड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये पीपल के पेड़ के नीचे सहारा ना मिले तो फिर लोग कहां जाएं। इधर अररिया में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे है। कोरोना काल में जहां मरीज एक अदद एम्बुलेंस के लिए तरस रहे हैं, वहीं सांसद निधि से अररिया सदर अस्पताल को सालों पहले 9 एम्बुलेंस दिए गए जो रखे रखे कबाड़ हो गए, और बड़ी ही लापरवाही पर अररिया के सिविल सर्जन ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अररिया के डीएम प्रशांत कुमार छुट्टी पर हैं तो प्रभारी डीएम अनिल कुमार ठाकुर भी फोन नहीं उठा रहे। आज सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचकर उन्होंने कबाड़ बनी एम्बुलेंस के मुद्दे पर अपनी बात रखने का आश्वासन दिया, लेकिन ना वो समय पर ऑफिस पहुंचे। डीएम दफ्तर से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश कुमार। एम्बुलेंस मामले में जब सिविल सर्जन से हमने बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अभी हम डीएम कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हैं। अररिया डीएम छुट्टी पर हैं, इसलिए प्रभारी डीएम बनाए गए हैं एडीएम अनिल ठाकुर, और वो सुबह से हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लगातार उनके द्वारा कहा गया कि 10 बजे आप कार्यालय आइए, लेकिन कार्यालय अभी तक यहाँ बंद है और लगातार वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक तरफ जहाँ कोरोना महामारी में एम्बुलेंस की भारी किल्लत है, वहीं अररिया में 9 एम्बुलेंस सांसद निधि मद से जो दिया गया था वो कबार बन चुका है, लेकिन इसका दोषी कौन है? सिविल सर्जन के पास इसका जवाब नहीं है। डीएम साहब छुट्टी पे हैं और एडीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, मीडिया के कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। सतीश कुमार, News 18 अररिया। और पूर्णिया में News 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद सेंसफोर्ड अस्पताल के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंसफोर्ड अस्पताल बिना निबंधन के फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था। यहां संचालित आईसीयू में ना तो ट्रेंड टेक्नीशियन थे ना ही डॉक्टर, और जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ FIR कराई गई थी। संचालक अवध साहनी का सिविल सर्जन और डीएम को गाली देने का ऑडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद दूसरी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हालांकि जमानती धारा होने के कारण संचालक को फिलहाल नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। नर्सिंग होम चलाने के आरोप में, जिसमें कि 3 सदस्यीय समिति का रिपोर्ट मुझे प्राप्त था और उसमें अनुशंसा की गई थी, उसी के आलोक में इन पर प्राथमिकी हमने लिखा था थाने को, उसी में इनका अरेस्ट हुए हैं। और लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय में चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण करने जब जिला अधिकारी पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला, और इस लापरवाही को देखकर डीएम संजय कुमार सिंह गुस्से से भर गए। उन्होंने प्रखंड के वीडियो और सीओ को जमकर फटकार लगाई और इसके बाद रसोइयों को बुलाकर ताला खुलवाया। उन्होंने कहा कि आगे से अगर इस तरह की लापरवाही दिखी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, राजधानी पटना की अगर बात करें तो बारिश हुई है और मौसम हो गया है सुहाना। रिपोर्ट बता रहे हैं आनंद अमृतराज। कोरोना की वजह से बिहार में 25 तारीख तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आज सुबह से तेज बारिश हो रही है, और आपकी भी इच्छा होगी कि अगर इस लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो राजधानी पटना की तस्वीर कैसी दिख रही है। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बेली रोड की, और झमाझम बारिश सुबह से हो रही है। लॉकडाउन की वजह से ऐसे ही सड़क पे वाहनों की रफ्तार थमी हुई थी, कुछ वाहन जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन बावजूद इसके वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें बहुत जरूरत ना हो। तो इस वक्त तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर बेली रोड की तस्वीर देखिए, और इस बेली रोड की तस्वीर को देखने के साथ साथ आप ये भी देखिए कि जबरदस्त बारिश हो रही है।
और आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं और इस लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से बाहर बहुत कम निकल रहे हैं, लेकिन इस वक्त राजधानी पटना की तस्वीर बेहद मनोरम दिख रही है। आकाश में चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी जिसकी वजह से भी लोग परेशान थे, तो गर्मी से राहत मिली और साथ ही अब आने वाले महीने में मानसून की बारिश भी शुरू होने वाली है। खेती करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छे संकेत है कि प्री मानसून बारिश शुरू हो चुकी है। और हमने आपको राजधानी पटना की तस्वीर दिखाई, इस पटना की तस्वीर को देखकर आप समझिए कि लॉकडाउन में पटना इस बारिश के समय कैसा लग रहा है, और खासकर बेली रोड की तस्वीर। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना संक्रमण के बीच आज सुबह से ही बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है और राजधानी पटना में भी सुबह से जमकर बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद ट्रैफिक जवान लगातार ड्यूटी पर लगे हुए हैं ताकि लोगों को बेवजह घरों से निकलने से रोका जा सके, कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। देखिए, फर्ज निभाना है, न्यूज 18 भी अपना फर्ज निभा रही है और जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। इस वक्त तस्वीर देखिए, तेज बारिश हो रही है राजधानी पटना में, लेकिन बावजूद उसके ट्रैफिक वाले लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। अगर कोई बिना वजह निकला है तो वो सघन जाँच हो रही है, उसके बाद अगर वो संतुष्ट हो जा रहे हैं उसके बाद ही उन्हें जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ड्यूटी में तो आप दिक्कत हो रही होगी, बारिश हो रही है। दिक्कत तो सर हो रही है, क्या ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी करना है सर। देखिए, ड्यूटी तो करना ही है। सुधीर जी हैं और इनके साथ इनके जो सहयोगी हैं वो भी मौजूद है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए हम लगातार। अरे कैसा लग रहा है सर? ड्यूटी में एकदम तैनात रहना है? नहीं जी जी, बिल्कुल अपने कर्तव्य पर हम काम कर रहे हैं। अभी जी सर, यहाँ तो ड्यूटी मेरा है, यही काम करना है तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ड्यूटी में एकदम मुस्तैद है ट्रैफिक जवान के लोग और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं कि बारिश हो रही है इसमें जांच नहीं होगी तो आप कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर को देखकर समझिए ड्यूटी में पूरी तरीके से तैनात है ट्रैफिक पुलिस के जवान। अगर आप बेवजह सड़क से निकलेंगे तो आपसे कार्रवाई तय है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या भले ही कम हो रही है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। पटना में भी कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, पुलिस मूक दर्शक है। तारापुर सब्जी मंडी का आलम कुछ अलग नहीं है। साकेत कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो भीड़ न लगाए, जिस तरह से कोरोना के मामले हैं उसको देखते हुए एहतियात बरतने की अपील लोगों से की जा रही है। लेकिन बावजूद आप देखिए किस तरह से जो सब्जी मंडियां हैं वहां पर किस तरह से भीड़ लग रही है, आप देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरह से लोग जो है वह यहां पर मंडी में घूम रहे हैं। ये दानापुर का सब्जी मंडी है और यहां की स्थिति आप देखिए डराने वाली स्थिति है। हालांकि बिहार में जब से लॉकडाउन लगा है कोरोना के मामले जरूर घट रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है वो देखिए, लोगों में कोई डर नहीं है, लोग आराम से मंडियों में पहुंच रहे हैं। भीड़ आप देखिए किस तरह से है, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ दानापुर मंडी में है और यहाँ पर लोग पहुंचकर मार्केटिंग कर रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं और इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है, भय नहीं है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर जरूर कुछ संख्या में मौजूद है लेकिन उन लोगों को भी इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए पुलिस की गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ है और ये लोग चुपचाप यहाँ पर खड़े हैं। तो स्थिति आप देखिए डराने वाली स्थिति है, किस तरह से भीड़ भाड़ यहाँ पर लगा हुआ है और बावजूद इसके पुलिस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मूक दर्शक बने हुए हैं। तो इतनी भीड़ है, सरकार प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि भीड़ ना लगने दे, बावजूद इसके आप तस्वीर देखिए काफी डराने वाली तस्वीर है, यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। ये भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है मंडी में, आप लोग नहीं हटा रहे हैं? ये तो हम लोग हटा ही रहे हैं, काफी ज्यादा है यहाँ पे भीड़, काफी ज्यादा तो बहुत कम हो गया, अभी तुरंत हम लोग पूरा सबको हटा करके आए हैं। सरकार ने कहा है कि भाई भीड़ भाड़ कहीं नहीं, कहा तो हम लोग लगे हुए हैं, पूरे मेरी टीम का लगी हुई है, दोनों तरफ लगी हुई है, अभी हम लोग बाजार के तरफ से बंद करवा करके आ रहे हैं पूरे बाजार को। तस्वीर देखिए ना, खुद देखिए किस तरह, अभी जस्ट हम लोग आए बंद करवा करके और मेरी टीम अभी पूरा बंद करा रहा है। देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इसे हम लोग हटवा रहे हैं, लेकिन भीड़ आप देखिए काफी ज्यादा डराने वाली भीड़ है, क्योंकि लगातार ये सरकार और प्रशासन ये कह रहा है
कि आप भीड़ ना लगाएं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की बात कह रही है सरकार। बावजूद इसके तस्वीर जो है वो आप दानापुर सब्जी मंडी की देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर सड़कों पर उतरी हुई है अपनी यहाँ पर बिना डरे। तो ये तस्वीर, और कई लोग ऐसे हैं इसमें जो बिना मास्क के हैं और वो यहाँ पर खुलेआम इस तरह से भीड़ में वो लोग घूम रहे हैं। आप देखिए, जब हमने पुलिस प्रशासन से इस बारे में पूछा तब वो यहाँ पर आप देखिए लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, हटने की बात वो कह रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से जो अपील है सरकार की उसको लेकर लोग गंभीर है, और साथ ही साथ प्रशासन के भी जो लोग हैं वो किस तरह से इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली तस्वीर है मुंगेर से, जहां शादी समारोह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों ने लॉकडाउन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। तस्वीरें हवेली खड़गपुर के नाकी पंचायत की हैं। शादी में सरकारी आदेश के विपरीत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लॉकडाउन के दौरान शादी में डीजे पर पाबंदी है, लेकिन लोगों ने डीजे की धुन पर ठुमके भी लगाए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ताक पर है, किसी ने भी अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था। और दुमका के रामगढ़ प्रखंड के रहने वाले 36 मजदूर नेपाल में फंसे हैं। सभी मजदूरों ने वापसी को लेकर झारखंड सरकार से गुहार लगाई है। कई मजदूरों की तबीयत खराब हो गई है। सभी मजदूर नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले के कोरी गांव में केबल बिछाने का काम करते थे, लेकिन इस बीच नेपाल में लॉकडाउन लग गया जिससे काम बंद हो गया है। ठेकेदार भी भाग गए हैं। मजदूरों ने नेपाल सरकार से गुहार लगाई है कि कम से कम उन्हें एक वाहन और पास की व्यवस्था कर दी जाए ताकि वो अपने घर जा सकें। जानकी नवमी के मौके पर सीतामढ़ी में माता जानकी का अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त उस पवित्र स्थल पर खड़ा हूँ जिसके विषय में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक के राज में अकाल पड़ा था तब राजा जनक ने इसी पवित्र स्थल पर हल चलाया था तो धरती के गर्भ से माता सीता प्रकट हुई थी। आप देख सकते हैं आज जानकी नवमी है, यानी भगवान राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्मदिन है, और यह जानकी मंदिर है जहां के विषय में ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र स्थल से माता सीता धरती के गर्भ से प्रकट हुई थी। आप तस्वीर देख सकते हैं, कोरोना काल का समय है, मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो सरकार ने निर्धारित किया है, जो गाइडलाइन जारी किया है उसके अनुसार काफी कम तादाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ है और लोग माता जानकी की जन्म दिवस को बड़े ही धूमधाम तरीके से मना रहे हैं। सरकार के गाइडलाइन का यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जा रहा है, भक्तों में एक खासा उत्साह देखा जा रहा है, काफी कम तादाद में लोग यहाँ पर जमा है और माता सीता का जो जन्मदिन है उसको लेकर पूरी तरीके से गाजा बाजा भजन कीर्तन का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम लोग यहाँ जन्म लिए और इनके जन्म दिवस को मनाने का अवसर मिला है। जय सिया राम। शुभ अवसर पर यही जय, हम लोग रामधुन कर रहे हैं, रामायण पाठ हुआ है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।